सो गाइस इस वीडियो पे आप क्लिक किए हो तो यानी आप भी अपना लैपटॉप को 10 गुना फास्ट करना चाहते हो तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। तो मेरा पास ये एक लैपटॉप है जो कि 7 साल पुराना लैपटॉप है और इसका स्पेसिफिकेशन इंटेल का i3 6th generation है और HHD है यानी हार्ड डिस्क है जो कि इसमें बहुत स्लो काम करता है और रैम सिर्फ 4GB का रैम है। तो इसको ओपन होने में 3 मिनट लग जाता है। तो ऑब्वियसली 3 मिनट ओपन करने में लगता है तो एक एप्लीकेशन रन करने में कितना टाइम लगता होगा आप इमेजिन कर सकते हो। तो इसको यूज करने बिल्कुल नहीं मन करता और इसको इतने दिनों से इसको रखा हुआ था कि इसको क्या करूंगा। तो फाइनली एक बार मुझे स्ट्रीम कर रहा था तो मुझे काम पड़ा इस लैपटॉप को स्ट्रीम करने के लिए, तो मैं सोचता हूं कि क्यों ना इसको लैपटॉप को अपग्रेड किया जाए। तो मेन पॉइंट आता है कि अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो क्या क्या पार्ट अपग्रेड किया जा सकता है और क्या ये अपग्रेड होगा भी कि नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये क्या क्या अपग्रेड हो सकता है। तो उसके लिए एक वेबसाइट है crucial.in, वैसे ये कंपनी रैम भी बनाता है और SSD बनाता है। तो ये वेबसाइट में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपग्रेड योर कंप्यूटर, तो वहां पर क्लिक करने के बाद में अपना लैपटॉप का डिटेल डालना है और सेलेक्ट करना है यानी मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है। तो मेरा लैपटॉप का मॉडल है डेल का इंस्पिरन 1535 37। तो यहाँ पर जैसे आप अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेते हो तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि यू हैव कंपेटिबल मेमोरी एंड स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। और उसके बाद में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल दिखा देगा कि क्या क्या आप अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा लैपटॉप में 16GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं रैम को और 4GB वाला वेरिएंट वाला है। और स्टोरेज भी आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर SATA वाला SSD लगा सकते हैं। तो मेरा लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिलता है कि हार्ड डिस्क को या तो रिप्लेस करना पड़ेगा या तो एक और ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आपका लैपटॉप में DVD राइटर है तो उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो DVD राइटर के नाम पर मेरे पास एक ही बस यही बचा हुआ है तो उसको हम रहने देते हैं। तो हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर देते हैं, हार्ड डिस्क को वैसे किसी भी कंप्यूटर में तो लगा ही सकते हैं। तो हार्ड डिस्क को हटा के SSD को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो SSD में तो बस SATA वाला एक ऑप्शन है जो कि आप Amazon से इसको परचेस कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम आता है रैम को सेलेक्ट करना। तो रैम में आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखने मिल जाएगा कि रैम को 1600 यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि यहाँ पर हम लोग अपना लैपटॉप का मदरबोर्ड का जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करना चाहिए, नहीं तो वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर ये भी आइडिया मिल गया कि 1600 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी वाला रैम को यहाँ पर खरीदना है। तो यहाँ पर दोनों डिटेल आपको मिल गया। अब इसको जाके आप Amazon से खरीदिए या तो ऑफलाइन खरीदिए या किसी भी वेबसाइट से आप इसको परचेस कर लेना है। अब परचेस करने के बाद में एक मेन प्रॉब्लम आ जाता है कि आप इसको अपग्रेड कैसे करेंगे, इसको ओपन कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली YouTube जिंदाबाद। YouTube में आप बहुत सारा वीडियोस देख लीजिए, जितना आप हो सके आप इसको नॉलेज ले लीजिए कि कैसे इसमें ओपन होता है, क्या क्या चीज है। आपका मॉडल जो है उसमें डिटेल डालिए कि हाउ टू ओपन लैपटॉप, अपना मॉडल का लिख लीजिए। जैसे मैं भी बहुत सारा वीडियोस देखने के बाद में कुछ वीडियोस मिल जाता है कि कैसे इसको ओपन करना है, तो वहां पर स्टेप बाय स्टेप को देख के आप लैपटॉप को ओपन कर लेना। लैपटॉप बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा भी अगर निकालेंगे अगर टूटने का डर होता है तो उस चीज को आपको ध्यान देना है। बिना स्किप किए वीडियो को आप देखिएगा, उसके बाद में आप लैपटॉप को ओपन कर लेना। वैसे उसको माउंट करने में या अपग्रेड करने में, रैम लगाने में, SSD लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत ईजी है। बस लैपटॉप को ओपन करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है किसी किसी लैपटॉप में, मगर किसी मैक्सिमम लैपटॉप में आपको इजिली ओपन हो जाता है, अपग्रेड भी बहुत इजिली हो जाता है। उसके बाद में बायोस में जाके इसको चेक कर लेते हैं कि या क्या ये रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो भी चेक हो जाता है। और अब टाइम आता है विंडो को लोड करने का। तो विंडो लोड होने में भी कोई टाइम नहीं लगता है। शॉकिंग वाली बात होता है कि विंडो लोड हो जाता है बहुत कम समय में SSD लगाने की वजह से। और ये अपलोड हो जाने के बाद में अब टाइम आता है इसका चेक करने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए कि ये कितना फास्ट हुआ है। तो बहुत शॉकिंग रिजल्ट आता है, ये सिर्फ ओपन हो जाता है 30 सेकेंड के अंदर में। पहले ये ओपन होता था 3 मिनट से ऊपर में, अब ये ओपन हो जा रहा है 30 सेकेंड में। अब इस लैपटॉप से मैक्सिमम काम कर सकते हैं, छोटा मोटा एडिटिंग भी कर सकते हैं। अब मेरा ये लैपटॉप बहुत काम लगने वाला है, बहुत यूज करेंगे। तो अगर आप लोग के घर में भी ये पुराना लैपटॉप है तो ये प्रोसेस से आप यूज कर सकते हैं, ये मेथड से। ये सिंपल सा मेथड आपको बताएं कि कैसे आपको करना है, बाकी तो डिटेल आपको एक ही वीडियो में सारा चीज मिलना इम्पॉसिबल है। तो आप बहुत सारा रिसर्च करिए, आइडियाज देना मेरा काम है, बाकी रिसर्च करना आपका काम है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी।